नमस्कार दोस्तों, पीसीएस पाठशाला में आप सभी का स्वागत है। मैं दृष्टि पब्लिकेशन की पुस्तकों को आप लोगों को दिखाना चाहता हूं। यह दृष्टि पब्लिकेशन की बुक है और दृष्टि पब्लिकेशन की मैगजीन है, मंथली मैगजीन है। आमतौर पर यूपीएससी या स्टेट पीसीएस तैयारी करने वाले अभ्यर्थी इसे ज्यादातर पसंद करते हैं, इसे देखते हैं। तो यह दृष्टि पब्लिकेशन की बुक है और आप जानते हैं दृष्टि करंट अफेयर टूडे, शायद आप लोग इससे अनभिज्ञ नहीं होंगे। लेकिन मैं इधर भी कुछ ऐसे भी प्रतियोगी हैं, कुछ ऐसे भी प्रतिभागी हैं जो दृष्टि का या अंक पढ़ते हैं, मंथली मैगजीन पढ़ते हैं, लेकिन वह संतुष्ट नहीं है। देखिए, संतुष्टि की बात यह नहीं है कि ऐसा इस मैगजीन या अच्छा नहीं है। यह मैगजीन तब भी अच्छा था और यह मैगजीन अभी अच्छा है, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन इसमें मैं आप लोग को जो पिछले साल के जो मैगजीन हुआ करते थे वह मैं आपको दिखा रहा हूं। देखिए दोस्तों, ये पूरा का पूरा कलेक्शन है दृष्टि करंट अफेयर टुडे का जो मंथली मैगजीन है। और पहले की जो मैगजीन आया करती थी वह मोटी होती थी। और देखिए, पहले की जो मैगजीन आती थी वह इस मैगजीन, ये जो नई वाली मैगजीन है इससे कम से कम 30% अधिक मोटी रहती थी पुरानी वाली मैगजीन। बल्कि अब जो मैगजीन आ रही है यह महंगी भी है, कास्टली है। इसकी जो प्राइस है वो 120 रुपया, बताइए इस मैगजीन की प्राइस 120 रुपया है। और यह जो दृष्टि की पहली मैगजीन आती थी यह मैगजीन मोटी भी थी, मतलब 25-30% ज्यादा पेज ही था, और उसके बावजूद यह जो मैगजीन आती थी 100 रुपये की आती थी। तो यह बड़ा अंतर क्यों रखा गया? और यह पहले पतला था, पहले मोटा आता था, तो पतला क्यों रखा गया? तो देखिए दोस्तों, दृष्टि पब्लिकेशन वालों ने यह कहा कि बार बार शिकायत मिलती थी। देखिए दोस्तों, पहले की जो मैगजीन आती थी दृष्टि पब्लिकेशन की वह बहुत मोटी होती थी, मतलब आप लोग देख रहे हैं, यह मोटी मोटी बुक होती थी दृष्टि पब्लिकेशन की, जो भी मंथली मैगजीन आती थी इतनी मोटी मोटी मैगजीन होती थी। तो बहुत सारे जो प्रतिभागी हैं, जो बहुत सारे एस्पिरेंट हैं, उनको यह शिकायत रहती थी कि मैगजीन जो है जो भी मंथली मैगजीन मिल रही है वह इतनी मोटी है। सारगर्भित तो है, कोई बात नहीं, सारगर्भित रहना चाहिए, लेकिन इतनी मोटी है कि इस बुक को पूरी तरह से कंप्लीट नहीं किया जा सकता है एक महीने में पूरी टाइमिंग देकर भी मुश्किल से कंप्लीट हो रहा है। तो इतना मोटा मैगजीन, इतने ज्यादा पेज का कम से कम दृष्टि पब्लिकेशन न बनाए ताकि हमारे ऊपर लोड न ज्यादा पड़े। तो देखिए, दृष्टि ने क्या किया, दृष्टि ने मतलब लोगों की शिकायत पर क्या किया, मैगजीन को पतला कर दिया। लेकिन अब भी लोगों को शिकायत है। और शिकायत इस बात का है, देखिए मैगजीन पहले मोटी होती थी और इसकी जो प्राइस 100 रुपये थी, 100 रुपये, देखिए 100 रुपये इसकी प्राइस थी, 100 रुपये थी। लेकिन अब जो मैगजीन है उससे इससे कम से कम 25-30% कम पेज है। लेकिन अब जो प्राइस आप लोग देख रहे हैं, यहाँ देख लीजिए 120 रुपया। पहले 100 रुपया में मोटी बुक मिलती थी, अब 120 रुपया में पतली बुक मिल रही है। तो यह आप लोग देख रहे हैं। तो यहाँ पर 100-120 की बात नहीं है, लेकिन हालांकि दृष्टि वाले यही बोले कि जैसे लोगों का यह प्रश्न था, लोग चाहते भी थे, जो भी एक्सपीरियंट है वो चाहते थे कि यह चाहते थे कि इसमें बहुत ज्यादा कंटेंट डाल दिए जा रहे हैं जो विद्यार्थियों के दिमाग पर भारी वजन डाल दे रहा है, और बहुत सारे कंटेंट डाले दिए जा रहे हैं जिसकी वजह से एक महीने में पूरी मैगजीन कंप्लीट नहीं हो पा रही है। इसीलिए दृष्टि वालों ने क्या किया, दृष्टि पब्लिकेशन वालों ने क्या किया, मैगजीन को पतला कर दिया। लेकिन एक बात मैं बताना चाहूंगा, मैगजीन पतला हो गया लेकिन बहुत सारे अंक जो पहले आया करते थे, बहुत सारे अंक आते थे वह अब इसमें नहीं आ रहा है, बहुत सारे अंक नहीं आ रहा है। जैसे क्या होता है, टॉप, देखिए रुकिए, जैसे इसमें मैगजीन टेस्ट आता था, पहले मैगजीन टेस्ट होता था, जो अब वाले में मैगजीन टेस्ट नहीं हो रहा है। और भी बहुत सारे अंक नहीं आते हैं, जैसे प्रेरणा खंड होता था वह नहीं आता है, और फिर उसके बाद बहुत सारे रुकिए पीटी एक्सप्रेस आता था, देखिए पीटी एक्सप्रेस भी नहीं आता है। तो इन सब चीजों को काट कर मैगजीन को पतला कर दिया गया और वजन और दाम जो है बढ़ा दिया गया। देखिए हालांकि देखिए दृष्टि पब्लिकेशन अपने आप में तब भी उत्तम था और अब भी उत्तम है, उत्तम ही नहीं, मैं साफ साफ कहूंगा हिंदी माध्यम में सबसे अच्छा पसंद किया जाने वाला यह मैगजीन है यूपीएससी और या स्टेट पीसीएस वालों के लिए, यूपीएससी या स्टेट पीसीएस वालों के लिए एक वरदान साबित हो रहा है यह मैगजीन। लेकिन इसमें जो मैं बस यह चाहता हूं, अपनी तरफ से सुझाव देना चाहता हूं कि जो इसमें खंड पहले आते थे वह खंड अब फिर आए, इसमें जिनको मन करेगा वह नहीं पढ़ेंगे, जिनको नहीं मन करेगा वो न पढ़ेंगे। लेकिन बहुत सारे ऐसे छात्र हैं जो पीटी एक्सप्रेस को देखा करते थे, लेकिन अब पीटी एक्सप्रेस इसमें नहीं आ रहा है, और भी बहुत सारे नहीं आ रहे हैं, जो मैं क्या क्या बताऊं आपको, बताया बहुत सारे खंड इसमें नहीं आ रहे हैं,
जो पहले आया करते थे। और एक बड़ी बात आप लोगों से कहना चाहूंगा, दृष्टि का जो संपादकीय वाला पोर्शन होता है वह अपने आप में बहुत ही सागरभित होता है। मैं आमतौर पर दृष्टि का या करंट अफेयर लेता हूं, बुक मैगजीन लेता हूं, तो मैं इसका संपादकीय विशेष रूप से पढ़ता हूं। अगर पूरा का पूरा मैगजीन अगर संपादकीय ही हो, पूरा ट्यूटोरियल ही हो, तो पूरा का पूरा मैगजीन में पढ़ जाऊंगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं होगी। और बहुत सारे ऐसे व्यक्ति हैं जो पूरी तरह से संपादकीय पढ़ने के लिए ही यह मैगजीन लेते हैं, उसे पसंद करते हैं। तो दृष्टि वालों को कम से कम यह ध्यान देना चाहिए कि जो अंक पहले आया करते थे उस अंक को फिर इसमें लाए, मैगजीन जो मोटी होती थी कम से कम उसे मोटा कर दे, लेकिन कम से कम कुछ अंक न छोड़े, क्योंकि बहुत सारे व्यक्ति हैं जो पहले वाली मैगजीन को ही पसंद करते हैं। जो पहले वाली मैगजीन आती थी जो खंड उसमें दिया रहता था वो सारे खंड इस नई वाली मैगजीन में होना चाहिए, और अगर संपादकीय हो सके तो संपादकीय भी एक या दो संपादकीय और बढ़ा दिया जाए। ठीक है दोस्तों, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। धन्यवाद आप लोगों को, टेलीग्राम बिल्कुल ज्वाइन करिएगा। एक बड़ी बात आप लोगों से यह करनी है कि जो भी लोग यूपीएससी या स्टेट पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं, यूपीएससी या स्टेट पीसीएस की जो भी लोग तैयारी कर रहे हैं, अगर आप लोग मॉक टेस्ट देना चाहते हैं, चाहे यूपीएससी की तैयारी कर रहे हो, चाहे यूपी पीसीएस की, एनपीएससी की, आरपीएससी की, बीपीएससी की, टीजीटी की, पीजीटी की, पीआरटी की, नेट की, जेआरएफ की, किसी भी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं आप, और अगर आप मॉक टेस्ट देना चाहते हैं, तो टेस्ट बुक जो एक एप्लीकेशन है, टेस्ट बुक एग्जाम प्रिपरेशन एप्लीकेशन है, बहुत ही बढ़िया एप्लीकेशन है, उसका मैं रिव्यू दिया हूं, उसको मैं समझाया हूं कि उसका मॉक टेस्ट आप लोग कैसे परचेज करिए और उसका मॉक टेस्ट को कैसे दीजिए। डिस्क्रिप्शन में उसका उस वीडियो का लिंक है, इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाइए। मैं टेस्ट बुक एप्लीकेशन का वीडियो बनाकर दिखाया हूं, उस वीडियो को अगर आप पूरी तरह से देख लेंगे तो आप जान जाएंगे कि आपको वह एप्लीकेशन कैसे यूज करना है और कैसे मॉक टेस्ट देना है। हर परीक्षा के लिए मॉक टेस्ट उपलब्ध है, तो डिस्क्रिप्शन में जो वीडियो है उसको जरूर देखिएगा, बिल्कुल वॉच करिएगा। जिनको भी मॉक टेस्ट देना है, मॉक टेस्ट चाहिए किसी भी परीक्षा के लिए, वह हमारा वीडियो देख लें, डिस्क्रिप्शन में वीडियो दिया गया है। और आप लोग दृष्टि को बिल्कुल पसंद करिए, मैं साफ साफ बोल रहा हूं, यूपीएससी या स्टेट पीसीएस के लिए यह एक वरदान है हिंदी माध्यम के भर्तियों के लिए। और बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो इस जादुई मैगजीन के बारे में अनर्गल वीडियो बनाते रहते हैं। मैं तो सुनकर सर में हो जाता हूं कि कई बार लोग कमेंट कर देते हैं, दृष्टि की तुलना बहुत बेचोखाओ इंस्टीट्यूट से कर देते हैं, आप ऐसे मत किया करिए। और देखिए, लिंगमस मेरी तरफ से यही दृष्टि को सुझाव है कि जो पहले जो खंड आया करते थे, अब उन खंडों को फिर से नई वाली मैगजीन में समाहित किया जाए, और जो भी खंड आते थे, बहुत सारे आते थे, मुझे याद नहीं आ रहा है, वो सब सारे खंड इसमें समाहित किए जाएं। और जब दाम बढ़ा दिया गया, पहले सौ रुपये का आता था तो इतना मोटा होता था, अब 120 रुपये का आ रहा है तो एकदम आधा कर दिया गया लगभग, तो कम से कम ऐसा ना हो। और उसमें अगर बढ़ा दिया जाए, जिनको बहुत बोरियत महसूस होगा, नहीं पढ़ना चाहेंगे मत पढ़ें, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जो आपके जैसे दृष्टि का जो मैगजीन आता है, उसका संपादकीय बहुत विशेष होता है, मुझे बहुत ही अच्छा लगता है संपादकीय, मैं संपादकीय के लिए ही खरीदता हूं। तो संपादकीय अगर 2-4 संपादकीय बढ़ जाए तभी कोई दिक्कत नहीं है, जो उनको पसंद आएगा वो जरूर पढ़ेंगे। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करेगा दोस्तों, धन्यवाद आप लोग को, और इस वीडियो को लाइक और इसको शेयर जरूर करेगा, और डिस्क्रिप्शन में जो वीडियो का लिंक है बिल्कुल उसे देखिएगा। धन्यवाद आप लोग को, और किसी भी तरह का कोई भी प्रश्न है तो उस प्रश्न को करिए, मैं उस पर वीडियो बनाना उचित समझूंगा, तो वीडियो जरूर बनाऊंगा, उस प्रश्न को जरूर करिएगा डिस्क्रिप्शन में, कमेंट बॉक्स में, कोई भी। धन्यवाद।